हेलो हमारी YouTube फैमिली, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप आसानी से Google AdSense अकाउंट में $10 होने के बाद से आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं। इवन इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट को अपने Google AdSense अकाउंट में आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा और बिना स्किप किए। सो फाइनल, चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप सभी बिना स्किप करके देखिएगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको भी आपका फर्स्ट पेमेंट मिल जाएगा। जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट Google AdSense अकाउंट में ऐड करेंगे, 2 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मुझे 2 दिन के अंदर में ही मिला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप बिना स्किप करके ही देखिएगा। सो फाइनली, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। सो फाइनल देखिए, यहाँ पे मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब इसके बाद से देखिए, यहाँ पे होम स्क्रीन पे आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फायरफॉक्स है और इसी फायरफॉक्स के ब्राउज़र के हेल्प से मैं यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को Google AdSense में ऐड करके आप सभी को दिखाने वाला हूँ। मतलब Google AdSense अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करके दिखाने वाला हूँ और यहाँ पर प्रैक्टिकली आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोबारा से मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप सभी कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा और बिना स्किप करें। तो चलिए यहाँ पे मैं आप सभी को सबसे पहले इस ब्राउज़र को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद से जिस जीमेल आईडी से आप अपना Google AdSense अकाउंट बनाए हैं, उस Google AdSense अकाउंट को यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करना होगा। मतलब उस जीमेल आईडी को यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद से देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद से देखिए यहाँ पे 3 डॉट आपको देखने को मिल रहा है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे एक पेमेंट इन्फो वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस में लेके आ जाएगा और यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से और कहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट के डिटेल को फिल कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट को Google AdSense अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। सो फाइनली, चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि किस तरीके से और कहाँ से आप क्लिक करके इस बैंक अकाउंट के डिटेल को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और तीनों ऑप्शन पे कहीं भी क्लिक करके हम आसानी से अपने बैंक अकाउंट के डिटेल को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन। देखिए सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये एक्शन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी क्लिक करके आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट को फीड कर सकते हैं, डिटेल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद से देखिए यहाँ नीचे आएंगे तो दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा है अपडेट। यहाँ पर भी क्लिक करके आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद से देखिए यहाँ पे 3रे नंबर पे आप सभी देख पा रहे होंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड। इस वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके आप आसानी से यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, 3रे वाले ऑप्शन पे, और इसी पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को ऐड करके आप सभी को दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो आप लोग वीडियो को स्किप करने लगते हैं। तो इसीलिए चलिए यहाँ पे क्लिक करके जल्दी से मैं अपने बैंक अकाउंट के सारे डिटेल को यहाँ फिल करके बैंक अकाउंट को Google AdSense में ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस में लेके आ जाएगा और यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत कुछ फिल करना होता है, तो यहाँ पे मैं आप सभी को पहले जूम करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जूम कर दिया, जूम करने के बाद से देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, बेनिफिशियरी आईडी। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी एक आईडी देना पड़ेगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या कोई एक कार्ड आपको देना होगा। अगर यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल, यानी ये ऑप्शनल है, इसे यहाँ पे भर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी भर सकते हैं। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे 2रे नंबर पर लिखा है नेम ऑन बैंक अकाउंट। मतलब जो बैंक अकाउंट में नाम है उस नाम को यहाँ आप फिल करेंगे और जो बैंक अकाउंट पर नाम है वही
नाम को यहाँ आपको फील करना है, दूसरा कोई आपको नहीं फील करना है। इवन आपको कोई स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे हो जाता है तो भी यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा, वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद से देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे है बैंक नेम, मतलब यहाँ पे आपको बैंक नेम इंटर करना होगा, मतलब यहाँ पे जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को यहाँ पे उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। और इसके बाद से देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे आपको उस बैंक का यहाँ पे IFSC कोड यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद से देखिए यहाँ पे पांचवे नंबर पे आपको SWIFT कोड यहाँ पे डालना होगा, मतलब यहाँ पे हर बैंक को एक SWIFT कोड मिलता है, एक नंबर मिलता है गवर्नमेंट की ओर से, और वही नंबर को वही SWIFT कोड को यहाँ पे इंटर करना होगा, तभी जाके आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट गूगल एडसेंस में ऐड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और इसके बाद से देखिए यहाँ पे छठवें नंबर पे अकाउंट नंबर है, मतलब जो बैंक अकाउंट है उसका नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे डाल देंगे, इंटर कर देंगे, टाइप कर देंगे। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे दोबारा से आपको अकाउंट नंबर इंटर करने के लिए बोल रहा है, मतलब जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका नंबर यहाँ पे दोबारा से इंटर कर देंगे। और इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये टिक रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज ये टिक नहीं रहेगा तो यहाँ पे टिक करके सिंपली आप इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब इसके बाद से चलिए, अभी सेव नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ अपना सारा डिटेल बैंक का, और उसके बाद से मैं यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सभी को दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से मैं अपने सारे डिटेल को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने अपना बैंक अकाउंट का सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर लिया है, सब कुछ यहाँ पे फिल कर लिया है। अब इसके बाद से हमें क्या करना होगा, सिंपली इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये प्रोसेसिंग होने लगा, और जैसे ये प्रोसेसिंग होकर कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद से देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं आप सभी कुछ जूम करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ पे क्लियर नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे ये बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो गया है। अब इसके बाद से कुछ देर के बाद से जीमेल पे एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, मेल आएगा कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया है। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद से मैं आप सभी को आगे वाले वीडियो में बताता हूँ। सो फाइनली कुछ घंटों के बाद से मेरे इस जीमेल अकाउंट पे गूगल की ओर से एक यहाँ पे मेल आ गया है, जैसे यहाँ स्क्रीन पे आप सभी देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा जो बैंक अकाउंट था सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गया है गूगल एडसेंस अकाउंट में। चलिए मैं आप सभी को अब गूगल एडसेंस अकाउंट में लेके चलता हूँ, और वहाँ पे मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो गया है कि नहीं ऐड हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद से देखिए यहाँ पे मैं बैक आ जाऊँगा, बैक आने के बाद से देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दिया हूँ, और यहाँ पे टोटल मेरा $137 हो चुका था, इसीलिए मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे पेमेंट मिल जाए। तो देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं आप सभी को सर्कल करके दिखा देता हूँ, ये मेरा बैंक अकाउंट है और यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप आसानी से बैंक अकाउंट को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। सो फाइनली आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप आसानी से अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट को आसानी से ऐड कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इसके बारे में आसानी से पता चल जाए और वो भी आसानी से अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख क्या रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। सो फाइनली अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।